देश भर में सीएनजी के दामों में कमी आई है। इससे पहले कहीं ना कहीं जिस तरह से सीएनजी के दाम लगातार बढ़ रहे थे तो लोगों को काफी परेशानियां हो रही थी। अब कहीं ना कहीं 6.03 रुपए सीएनजी के दाम अडानी ने यानी गैस एजेंसी ने कम किए हैं। पहले 86.14 रुपए सीएनजी के दाम थे, अब 80.11 रुपए कम हो गए हैं। इसी के साथ पीएनजी के भी रेट जो है दामों में कमी आई है, 5.06 रुपए तक पीएनजी के दाम यानी कि कम हुए हैं। कहीं ना कहीं अब आम जनता को इन घटी हुई कीमतों से राहत जरूर मिलने वाली है। जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ रही थी, तेल की कीमतें आसमान छू रही थी, ऐसे में जिस तरह से सीएनजी और पीएनजी गैस के रेटों में इजाफा हुआ है, कहीं ना कहीं जो कमी आई है तो इससे लोगों को भी राहत मिलेगी। हमारे साथ यहाँ पर आज स्कूल की बस है, इसमें सीएनजी डलवाने के लिए आए हैं। क्या कहोगे जो है लगभग 6 रुपए के करीब जो 3 पैसे जो कम हुए रेट? भाई साहब ये है कि देखो परेशानी तो आती है कि जैसे हिसाब से जैसे सीएनजी बढ़ती है तो अब जैसे कम हुए तो मैं तो ये चाहूंगा कि अब जैसे 6 रुपए कम हुए इससे भी सस्ती हो, और जो पेट्रोल के जो दाम है वो भी काफी महंगे हुए हैं उनमें भी कम हो। जो पहले 86.19 थी अब 80.11 हो गई है। लोगों का ये कहना है कि और भी सस्ती होनी चाहिए क्योंकि जिस तरह से लगातार तेल की कीमतें बढ़ रही थी, पेट्रोल डीजल के रेट आसमान छू रहे थे, महंगाई इससे ज्यादा प्रभावित हो रही थी। 100 के आसपास जिस तरह से तेल की कीमतें हैं उसी हिसाब से जिस सीएनजी गैस की कीमतें पहले 86.14 रुपए थी, अब घटकर 80.11 रुपए यानी कि 6.03 रुपए की कमी आई है। पीएनजी के दाम लगभग 5 रुपए के करीब सस्ते हुए, इससे कहीं ना कहीं आम जनता को राहत जरूर मिलती दिखाई दे रही है। लोगों का यही कहना है कि जब रेट कम होते हैं तो राहत जरूर मिलती है, महंगाई पर भी इसका असर पड़ता है। कहीं ना कहीं जो सरकार की तरफ से या अडानी गैस एजेंसी की तरफ से जो जो है सीएनजी पीएनजी के दाम कम किए गए उससे जनता को राहत मिलने की उम्मीद है।